में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में 10% फीस बढ़ा दी गई है, उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में विरोध शुरू हो गया है। आज उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ द्वारा सरकार का पुतला फूंकते हुए तुरंत इस फीस वृद्धि को वापस लेने के लिए नारेबाजी की गई। यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के महामंत्री सुशील कुमार ने बताया कि जहां एक ओर मोदी सरकार देश में गरीबी कम करने की बात कर रही है, इसके बावजूद भी महंगाई आसमान छू रही है, जिसके कारण गरीब लोगों को एक टाइम की रोटी के लिए भी सोचना पड़ रहा है। वहीं अब गरीबों को एकमात्र साधन सस्ते इलाज पर भी सरकार महंगाई का और दबाव डालने जा रही है, जिसका यूकेडी पुरजोर तरीके से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं आज पूरे देश में जिला स्तर पर सरकार का पुतला फूंका गया। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सही करने के लिए मांग की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक उसके ऊपर कोई भी सशक्त कदम नहीं उठाया। बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय शुल्कों के अंदर 10% की वृद्धि की गई, जो कि आम जन के ऊपर अपने आप में एक भार है। उत्तराखंड क्रांति दल ये सरकार से मांग करता है कि जो भी वृद्धि स्वास्थ्य शुल्क के अंदर की जा रही है 10% की रिपोर्ट, उसे समाप्त किया जाए, जन भावना का सम्मान करें। प्रचंड बहुमत की सरकार ने इलेक्शन के समय पर जो वादे किए थे व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, आज वो धरातल पर दिखाई नहीं देते, और जितने भी वादे उन्होंने किए थे एक एक करके सारे के सारे वादों को सरकार छोड़ते चली जा रही है। तो आज के दिन उत्तराखंड क्रांति दल यही उनसे मांग करता है, सरकार को चेताने की हम लोगों की कोशिश थी कि जो भी इस तरह की वृद्धि है जो आम जनता की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है, क्योंकि महंगाई लगातार सरकार देख रही है प्रदेश के अंदर बढ़ती चली जा रही है उनकी गलत नीतियों की वजह से। उत्तराखंड क्रांति दल यही मांग करता है कि ये सारी की सारी वृद्धि जो शुल्कों के अंदर की जा रही है स्वास्थ्य में, उसको तुरंत वापस किया जाए, वरना उत्तराखंड क्रांति दल जन आंदोलन इसके ऊपर करेगा, इस चीज़ को प्रदेश स्तर के ऊपर प्रारंभ करेगा। आज जो यहाँ पुतला फूंका गया है, समस्त प्रदेश के अंदर युवा उत्तराखंड की तरफ से इस सारे के सारे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इस तरह के पुतले और ज्ञापन के माध्यम से विरोध प्रकट किया।